एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग, इन कॉम्प्लेक्स नंबर के आपने कंजुगेट फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके मैं तीन पार्ट लिए हूं सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका डायरेक्ट है z इज इक्वल टू आयोटा क्यूब प्लस 1, तो हम इस आयोटा क्यूब को यहां लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा और प्लस 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 1, तो z जो आपका आ रहा बेटा वो 1 माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इनटू आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस 1, 1 को पहले लिख दिया आयोटा को बाद में लिख दिया, जेड हो गया। तो जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है ना, आयोटा का अभी का साइन चेंज कर दिया आपने, तो जेड कंजुगेट आएगा वो 1 प्लस आयोटा। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इज जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, इसका रेशनलाइजेशन करो आप 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, तो z ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। तो z इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब दोनों जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो आप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 करोगे तो प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो जेड आपका आ गया बेटा 2 आयोटा माइनस का अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जेड की वैल्यू आ रही है माइनस आयोटा। तो जेड का कंजुगेट क्या होगा बेटा, केवल आयोटा के आगे का साइन चेंज कर रहे हैं, तो जेड का कंजुगेट क्या आ जाएगा आपका प्लस आयोटा। थर्ड पार्ट आपका है जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले आप स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 प्लस आयोटा। तो z इज इक्वल टू यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे आप माइनस 1 प्लस 12 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, तो z जो आपका आ रहा है वो आ रहा है माइनस 5 प्लस 12 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, ये आपका z आ गया। ठीक है, अब पहले रेशनलाइजेशन करो इसको 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा से डिवाइड, तो z इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10, 2 से मल्टीप्लाई 24 आयोटा, आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, और इसके साथ करेंगे तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे आ रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 करेंगे तो 29 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर को माइनस 1 करेंगे तो प्लस 12 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आपका आ रहा है 2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 बाहर माइनस है तो प्लस 1, इस 5 को दोनों के नीचे लिख दिया तो ये आएगा 2 अपॉन 5 और प्लस 29 अपॉन 5 आयोटा, ये आपका जेड बन गया। ठीक है, तो कंजुगेट को आप कर ही दोगे, जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 माइनस 29 बाई 5 आयोटा, ये आपका क्या देगा जेड कंजुगेट। तो कंजुगेट के पार्ट्स आप कर लोगे बेटा, 3-4 पार्ट हो रहे हैं इसमें, 6-7 पार्ट थे तो 3-4 मैंने करवा दी बात क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये कहता है ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी का कंजुगेट जो था, ये सोल्व करना आपने ए प्लस आयोटा बी इसके मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी के साथ करो, इसका कंजुगेट लो वो इक्वल आना चाहिए ए माइनस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ए सी आयोटा ए डी आयोटा बी सी और इसके साथ आयोटा स्क्वायर बिल्डिंग, ये आ गया लेफ्ट साइड और इसका कंजुगेट। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आई, ए सी आयोटा ए डी आयोटा बी सी और इसकी वैल्यू होगी माइनस बिल्डिंग, इसका कंजुगेट। पहले दोनों रियल को लिख दिया हमने,
एसी माइनस बीडी को लिख दिया और इन दोनों से हमने आर का कॉमन ले लिया, एटी प्लस बीस, एटी प्लस बीस इसका कंजुगेट। अब इसका कंजुगेट लेते हैं तो जो आर का के आगे साइन आ रहा है उस साइन को चेंज करेंगे, क्या क्या एसी माइनस बीडी आर का के आगे साइन था उसको नेगेटिव कर दिया, एटी प्लस बीस, तो ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई। ठीक है, अब राइट साइड को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, एसी माइनस आल्टा एडी माइनस आल्टा बीसी और लास्ट में प्लस आल्टा सुपीरियर बीडी। ठीक है, तो यहाँ आल्टा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, एसी इन दोनों से अगर हम माइनस कॉमन ले लें आल्टा तो एडी प्लस बीसी बच जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ आल्टा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन करेंगे तो माइनस बीडी। अब इन दोनों रियल वालों को पहले लिख दिया तो ए सी माइनस बीडी तो आपकी रियल थी और माइनस आल्टा इंटू ए डी प्लस बी सी था। चेक कीजिए बेटा दोनों लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गई, मिल गया दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, क्योंकि आपने प्रूव करना था कि दो आपके क्वेश्चन।